वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ओवरऑल लास्ट 6 महीने से ऑटो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, अपने दूसरे ऑटो बंधुओं को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। 430-440 के करीब मजबूती से बना के रखा है। और अब खबर ये आ रही है कि टाटा टेक का जो आईपीओ है जिसमें टाटा मोटर्स 40% हिस्सेदारी होल्ड करता है, उसका आईपीओ आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट 9 मार्च को उनका आरएचपी भी फाइल हो गया। तो ये वैल्यू अनलॉकिंग का एक प्ले बन सकता है। 18 साल के बाद हम देख रहे हैं किसी टाटा ग्रुप का आईपीओ आने वाला है। टीसीएस का लास्ट हुआ था, लेकिन टाटा मोटर्स पे किस लेवल्स पे आपको लगता है कि ये एंट्री के लिए अच्छा कैंडिडेट बन जाता है, अगर ये कमजोरी में मिले नेक्स्ट 2-3 दिन में तो लेना चाहिए? See, Tata Motors, in spite of all the choppiness, कुछ हुआ नहीं है ये स्टॉक में। इट इज इन अ ग्रेजुअल ट्रेंडिंग मोड। तो 410 एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है, तो 410 के सपोर्ट के साथ ये अक्यूमुलेट किया जाए, बिकॉज एक बार ये स्टॉक 470-480 लेवल्स क्रॉस करे तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 500-520 के टारगेट भी मिल सकते हैं। सो 410 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल है और आज न्यूज फ्लो है जिसके चलते टाटा मोटर्स पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। जो कुछ और मूव बाजार जिन पर इवेंट्स जिन पर नजर रखेगा, केप्री ग्लोबल, यहाँ पर आज राइट्स इशू बंद होना है। एक बार केप्री ग्लोबल के चार्ट को लेकर आते हैं और क्या इसमें रिटेल की पार्टिसिपेशन आज कुछ देखने को मिल सकती है, चार्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एक बार केप्री ग्लोबल के आप चार्ट को चेक करेंगे सौरभ? यस प्रियंका, अगर केप्री ग्लोबल की बात करें तो इसमें करंट लेवल्स पे जिस स्टॉक ने कल अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, मेरा जो आउटलुक फॉर द शॉर्ट टर्म बन रहा है काइंड ऑफ वीक बन रहा है, बिकॉज स्टॉक ने काफी समय कंसोलिडेशन के बाद जो इसका 680 का जोन था उसको ब्रेक किया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जब तक इस स्टॉक में 680 से 690 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, आउटलुक थोड़ा वीक रहेगा स्टॉक 20 और 200 दोनों के नीचे, तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वीक रहेगी और स्टॉक में मुझे लग रहा है इन द नियर टर्म एक जो गिरावट है 650 के आसपास देखी जा सकती है। वैशाली, भारतीय एयरटेल में एक अच्छा करेक्टिव फेज हुआ, करीब 900 वाला भाव नीचे में 730-740 के करीब गया, डॉक्टर साहब लेके आइए। और अब पिछले 1-1.5 हफ्ते में दूसरा पॉजिटिव नोट आया है, अब 950 का टारगेट जेफरीज ने डाला है और स्टॉक 775-80 पे आ गया है। क्या इसका इसमें किस लेवल पे बन सकता है काम, एक करेक्टिव फेज खत्म सा हो रहा है इसके अंदर, लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए? I would definitely think so. मैंने actually हमारे clients को भी just जब bottoming out हो रहा था 740 पे देखे तो 3-4 दिन से consolidation था, तब stock oversold में भी था। I think this is definitely an accumulation zone. 740 to 780 के levels पे accumulate किया जाए, because once एक बार 780-800 के levels के बाहर निकलता है then ये stock is ready for a confirmation for further up move of 850-900. So I would definitely agree के ये levels पे accumulate किया जाए। लेवल्स पर आप एक्यूमुलेशन की राय दे रहे हैं, लेकिन एक